कि कमेंट हमारे जो वीडियो बनाने की दिलचस्पी है उसमें इजाफा करता है, तो लाइक करते हैं। अम्मी ने कपड़े उतार लिए हैं और अम्मी लेके आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये सना जो है कपड़े धो रही है, कल संडे है ना, इसलिए ये कह रही है कि आज धो लेती हूँ। कल शायद बादल आया हुआ है ना हल्का हल्का, वो कह रही है शायद बारिश ना हो जाए, मैं आज ही धो लेती हूँ, कल कोई और काम कर। अन्नम जो है सन्ना धो के रखती है, अन्नम जो है ना वो इधर तार के ऊपर डाल रही है। बस ख़त्म हो गए। तो ये जो है हमारा नया घर, ये बरामदा है, कपड़े इन्होंने धो लिए हैं, थोड़े से कपड़े रहते हैं, ये आज धुल जाएंगे। खत्म हो गए कपड़े सारे धुल गए ने, कपड़े खत्म हो गए। नाम जो है मशीन इधर खड़ी कर रही है बरामदे में, क्योंकि बारिश आ जाती है ना बाहर, इसलिए बरामदे में मैं जो है ये छिल रही हूँ आलू। तो आए देखते हैं सना क्या कर रही है। अब सना जो है धो रही है बर्तन, पैर वाले बर्तन पड़े हुए थे तो इसलिए। वर्ष आज संडे का दिन है और दिन गुजर चुका है और अब शाम हो चुकी है और हमने कपड़े कल धो लिए थे और कल के जो हमने धोए हुए थे तो आज सूख चुके हैं और अब अम्मी इनको उतार रही हैं। आज जो संडे है और आज डस्ट का दिन होता है और शाम हो चुकी है। व्यूअर्स, अम्मी ने कपड़े उतार लिए हैं और अम्मी लेके आ रही हैं और पीछे आप देख सकते हैं ये हमारा नींबू का पौधा है और जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं। हल्की हल्की सर्दियां भी आ चुकी हैं और इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। ये चाइना की वैरायटी है, बहुत ही रसीले होते हैं इनके ये जो नींबू लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इस नींबू के पौधे पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं नींबू, आप देख सकते हैं ये जो नींबू पहले उतर रहे हैं कुछ और फिर उसकी जगह पर नए लग रहे हैं। ये नीचे देख सकते हैं जो पके हुए हैं वो कुछ नीचे गिरे हुए हैं और उसकी जगह पर नए फूल आए हुए हैं। फूल आने का मतलब है कि नए उग रहे हैं नींबू और आएंगे। अन्नम जो है अपनी वर्दी कर रही है, लेकिन जो मेरी वर्दी है उन दोनों सना और अन्नम ने अपनी अपनी बारी रखी हुई है कि एक दिन सना जो है मेरी पैंट इस्त्री करेगी और दूसरे दिन या शेल्ड करेगी। इन्होंने अपनी अपनी बारी रखी हुई है और इधर सना जो है जो हम कपड़े अम्मी ने कपड़े धोए थे वो जो सूख गए हैं और सना जो है अब इसको सारे सना ने ही धोए थे और अन्नम ने भी साथ धोए थे। अन्नम ने क्या किया था? मैंने सूखने पर डाले थे, सूखने के लिए सूखने डाले थे। और अब सना जो है इसको लेट रही है के बाद जो जगह है मेरे कपड़ों की जो अलग जगह है और सना की अलग है, अन्नम की अलग है। तो अभी सना जो है कपड़े लेट रही है। तो शाम के खाने का टाइम हो गया तो मैं आटा गूंथ रही हूँ, अलग जो है मेरे साथ साथ ये भी लोग बना रहे हैं। अम्मी शाम के खाने के लिए आटा गूंथ रही हैं। ये आटा जो है हमारे बावलपुर से हम जब गए थे वहाँ से लेके आए हैं। ये आटा बहुत ही ज़्यादा लजीज है क्योंकि जो बावलपुर की जो गंदम होती है उसको नहरी पानी मिलता है, वहाँ जगह जगह टुकड़े लगे होते हैं, जब पानी की ज़रूरत होती है उनको तब भी पानी दे देते हैं इसमें, इसलिए उसमें नहरी पानी की वजह से भी ज़्यादा ताकत मिलती है गंदम को। और इधर जो है चकवाल का आटा, इसमें तो गंदम को बारिशों के पानी पर ये सारी फसलें उगती हैं इसलिए इनमें ज़्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन बावलपुर का आटा जो है ना खाने का अपना ही मज़ा होता है। आटा हो या सब्ज़ी हो उसको नहरी पानी लगता है। शाम हो चुकी है और अम्मी ने आग भी जला ली है और अम्मी शाम की रोटी पका रही हैं, फिर हम लोग साथ ही बैठ के इकट्ठे शाम की रोटी खाएंगे ताज़ी ताज़ी। और गरम गरम रोटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। और अब्बू और फूफा जो हैं अभी काम पर गए हुए हैं तो अभी तक वापस नहीं आए। अब्बू आएँगे तो फिर अब्बू के साथ रोटी भी खाएँगे। बस आज का व्लॉग जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच भी गए हैं तो हमें कमेंट कर दें कि आपने इतने सेकंड देखी है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे जो वीडियो बनाने की दिलचस्पी है उसमें इजाफा करता है। तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको हम देते रहेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।